तो टाइल की कोटेशन कैसे बनाते हैं? टाइल फिक्सिंग वर्क, एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके सामने। ये देखिएगा, फर्स्ट ऊपर चलते हैं, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कोई भी कंपनी का नाम है आपकी, तो आप डालेंगे यहाँ पे कंपनी का नाम, एबीसी जो भी है, मतलब सपोज। फिर यहाँ पे एड्रेस, ईमेल, फिर वेबसाइट, कांटेक्ट, जीएसटी नंबर, फिर यहाँ कोटेशन, ऑफर जो भी लिखना चाहे, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी, डेट एंड नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में टाइल फिक्सिंग वर्क, एक बहुत ही सिंपल ये फॉर्मेट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क्स, यहाँ पे एसएन कोड, इसको ना थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं बस। एक सेकेंड, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा, यहाँ पे क्लाइंट, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इसको हम तो ये हो गया पूरा। अब ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कंपनी डाल लेंगे, जो भी नाम है, एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट, जीएसटी एंड क्लाइंट, प्रोजेक्ट, जीएसटी, डेट एंड नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे आप कोटेशन लिख दीजिए, ये एक्सेल में बना रहे हैं, एक्सेल में आसानी से बन जाएगा। टाइल फिक्सिंग वर्क, यहाँ पे सीरियल नंबर, कॉलम, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, आइटम। वॉल फिक्सिंग है, तो यहाँ पे नंबर एक में वॉल रख देंगे, सपोज वॉल फिक्सिंग, वॉल फिक्सिंग, ओनली लेबर। लेबर, उसके बाद एसएन कोड, यूनिट, टोटल एरिया जितना रहेगा पर स्क्वायर फीट, अमाउंट, टोटल रेट जिस पर स्क्वायर फीट डाल देंगे। जैसे आप लेना चाहें पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जैसे वॉल फिक्सिंग है, फ्लोर फिक्सिंग है, जो भी वर्क होगा डिस्क्रिप्शन में डालते जाएंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क आ जाएगी या अमाउंट आ जाएगा। अगर जीएसटी है तो जीएसटी 18% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट का जो भी कंडीशन रहेगा आपका, और ये फॉर कंपनी एंड नेम, ये आपका एक अच्छा सा सिंपल कोटेशन टाइल का तैयार हो जाएगा।